विषय पर लंबे समय से अपने 8 सूत्री मांगों को लेकर सरकार को अवगत करा रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इससे सरपंचों में नाराजगी बनी हुई है। ग्राम पंचायत को समय पर बजट नहीं मिलने से कई काम भी प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में आमजन भी सरपंचों को खरी खोटी सुना रही है। इससे आहत सरपंचों ने सख्त रवैया अपनाते हुए ग्राम पंचायतों में तालाबंदी करने का निर्णय लिया है। सरपंच संघ अध्यक्ष अर्जुन सिंह गोड़ ने बताया कि सरपंच संघ 8 सूत्री मांग पत्र को लेकर अब कई बार सरकार को अवगत करा चुके हैं। इसमें राज्य वित्त आयोग का करीब 600 करोड़ रुपए वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2800 करोड़ रुपए कर वित्तीय वर्ष 23-24 का बकाया है। ग्राम पंचायत में दिलवाया जाए मनरेगा सामग्री का बकाया भुगतान 2022-23 में 1000 करोड़, 23-24 का करीब 3000 करोड़ रुपए का भुगतान संपूर्ण जिले में जारी किया जाए। वित्त आयोग की 2023-24 की राशि करीब 2000 करोड़ रुपए की प्रथम और द्वितीय किस्त जारी की जाए। इन सभी मांगों को लेकर झालावाड़ जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे चुके हैं। अगर सरकार फिर भी नहीं सुनती तो 15 फरवरी को ग्राम पंचायतों में तालाबंदी की जाएगी। सरपंच संघ के पदाधिकारी अर्जुन सिंह गोड, रोड सिंह, ईश्वर सिंह और कई लोग मौजूद रहे। ईश्वर सिंह ने बताया कि जल्द ही उनकी मांगों का समाधान होगा तो गांव का विकास तेजी से हो सकेगा। आज किसने ज्ञापन दिया? आज हम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर आए हैं। पूरे राजस्थान के सरपंचों का कई महीनों से SFC नरेगा सामग्री का कम से कम लगभग 10,000 करोड़ रुपये राजस्थान में लेने बाकी है और सारे राजस्थान की ग्राम पंचायतों का विकास अवरुद्ध है। हमने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। पूरे राजस्थान में आज जिला कलेक्टर का ज्ञापन देने का कार्यक्रम सरपंच संघ की तरफ से था। आज इसी क्रम में हमने भी झालावाड़ जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और सब मांग करी है कि हमारी जो मांगे हैं इस पेमेंट के अलावा भी प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृतियाँ कई टाइम से वो स्वीकृतियाँ जारी नहीं हो रही। खाद्य सुरक्षा का पोर्टल बंद है तो राजस्थान सरकार से केंद्र सरकार से मांग करते हैं सरपंच संघ की तरफ से कि जो हमारी मांगे हैं ये जल्द से जल्द पूरी की जाए, नहीं तो अगर ये मांगे 10-15 तारीख तक अगर पूरी नहीं होगी तो पूरे राजस्थान की ग्राम पंचायतों के ताले लगाए जाएंगे, पूरे राजस्थान में प्रदर्शन होगा, धरना देंगे और सरपंच अपनी अपनी ग्राम पंचायतें बंद कर देंगे।